70 के दशक में मुंबई के अंधेरी इलाके में गोपाल कृष्ण गोखले के नाम पर एक पुल बना था, लेकिन 2018 में उसका एक हिस्सा टूटकर गिरने के बाद सुरक्षा के लिहाज से इसे गिरा दिया गया ताकि नया पुल बन जाए। लेकिन अब जो कहानी इस पुल की सामने आ रही है, इसके बाद आप भी संभवतः चौंक जाएंगे अंधेरी के इस पुल की अधूरी कहानी सुनकर। मुंबई का दिल भले ही बहुत बड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि शहर में जगह बहुत कम है। शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली सड़कें गिनी चुनी हैं, जो हैं भी वो बहुत सक्रिय हैं। ऐसे में अगर किसी रास्ते पर आवाजाही बंद हो जाए तो किसी मुसीबत से कम नहीं है। अंधेरी स्टेशन के पास रेलवे लाइन के ऊपर से जाने वाले पुल को गिराने के बाद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। देखते देखते 5 साल हो गए हैं, शहर में बाकी सब काम हो रहा है, लेकिन पुल बनने की रफ्तार बहुत सुस्त है। अगर पॉलिटिकल विल हो तो हो सकता है, लेकिन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है ना, दे ऑलवेज गिव जस्ट वन लास्ट डेट। लेकिन वेदर इट इज 2 महीना है, 4 महीना है या 2 साल भी है, तो जो वीकली प्रोग्रेस जो बोलते हैं ना, या पीरियडिकल प्रोग्रेस विच वन कैन मॉनिटर, वो आम जनता को पता ही नहीं चलता। सवाल यह है कि क्या प्रशासन को लोगों की दिक्कतों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब गोखले पुल चालू था तब लोगों को ईस्ट से वेस्ट जाने या आने में महज 2 से 3 मिनट लगते थे, लेकिन अब पीक आवर्स में 1 से 1.5 घंटा तक लगता है। जबकि अंधेरी में ऑफिस जाने वालों की भारी भीड़ रहती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कंपनियों के दफ्तर यहाँ है। जिनका स्कूल वेस्ट में है, उनको 2 घंटे लगते हैं स्कूल पहुंचने के लिए। बच्चों को घर से 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है और 2 घंटे बाद पहुंचते हैं स्कूल। ये बंद हो गया तब से विले पार्ले पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया है। अभी भी उस ब्रिज पे भी आई थिंक वी हैव सीन क्रैक्स एंड ऑल रिपेयरिंग गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ सो मच द क्राउड इज डाइवर्टेड ओवर देयर एंड ट्रैफिक यू कैन नॉट आस्क। ऑटो जल्दी मिलती नहीं है यहाँ पे, और प्लस कुछ इमरजेंसी होगी तो फिर आदमी फंस जाता है। पुल को बनाने का जिम्मा मुंबई महानगर पालिका BMC का है, जिसका दावा है कि दिसंबर में पुल बनकर तैयार हो जाएगा और फिर इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा। इस पुल के लिए रेलवे ट्रैक के ऊपर गर्डर डालना और स्ट्रक्चर खड़ा करने में मदद रेलवे को करना है। वैसे BMC और रेलवे दोनों के दावे हैं कि लोगों की परेशानियां जल्द खत्म होंगी। प्रशासन की तरफ से हम तो वही बोल रहे हैं कि दिवाली के आसपास खोलने का हमारा पूरा पूरा प्रयास है, क्योंकि मटेरियल आना शुरू हो गया। जैसा कि आपने सारे पेपर में भी पढ़ा होगा, अभी वेडनेसडे तक 270 टन माल आ जाएगा, तो असेंबली इमिजिएटली स्टार्ट हो जाएगी इस वीक से, और जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट असेंबल करके हम तो लॉन्चिंग के लिए रेडी रखेंगे। हमारे तरफ से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी जब हमारे पास फाइनली गर्डर लॉन्चिंग के लिए जो डेट आएगी, जो ब्लॉक मांगा जाएगा, उसमें भी जो अवेलेबल मार्जिन होगा जिससे कि लोकल सर्विसेज मिनिमम डिस्टर्ब्ड हो, और उसमें जो बेस्ट पॉसिबल मार्जिन होगा वो हम देंगे, जिससे ये काम शीघ्र पूर्ण किया जा सके। लेकिन ग्राउंड पर पहुंचने पर अधिकारियों के वादों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। गोखले ब्रिज की नई डेडलाइन दिसंबर 2023 है, लेकिन अभी भी रेलवे ट्रैक के ऊपर ब्रिज बनाने का काम बाकी है। तो अब देखना यह होगा कि यह प्रशासन अपना काम पूरा कर लेगा, जिसकी उम्मीद कम दिख रही है, या फिर नई डेडलाइन देगा। कैमरामैन अशरफ के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई।